दोस्तों आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश मौसम खबर में। आइए जान लेते हैं 4 फरवरी 2022 के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में कि उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहने वाले हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान घने बादल छाए रहेंगे और उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ मध्यम से भारी बारिश व कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। क्योंकि दोस्तों एक नया ताकतवर पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है और इसके प्रभाव से दोस्तों पश्चिमी पंजाब के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि दोस्तों अब ये सर्कुलेशन पश्चिमी पंजाब के भागों पर जो बना हुआ था ये अब फिलहाल दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और ये लगातार बिहार के भागों की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी व मध्य भागों के कई स्थानों पर 4 फरवरी को मध्यम से तेज बारिश व कुछ भागों में ओलावृष्टि होने के आसार हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 4 फरवरी को तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं 4 फरवरी के मौसम के हाल के बारे में। दोस्तों 4 फरवरी में पहले वे जिले देखते हैं जिनमें हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, शाहजहांपुर, बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर, इन जिलों में हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों के बारे में जिनमें हल्की से मध्यम और कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों वे जिले हैं बरेली, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइन, श्रावस्ती। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 4 फरवरी को हल्की से मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, दोस्तों उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 4 फरवरी को मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार है। वह दोस्तों इन जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी होने की संभावनाएं 4 फरवरी को नजर आ रही है। और दोस्तों अब बात करेंगे हवाओं के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, कानपुर देहात, मैनपुरी, एटा, फरुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 फरवरी को हवाएं चलने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, गोरखपुर, अयोध्या, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, रविदास नगर, मिर्जापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और सोनभद्र, दोस्तों उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 फरवरी को हवाएं चलने के आसार हैं। दोस्तों इन जिलों में कुछ झोंके 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलने के आसार। तो दोस्तों ये थी हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश की मौसम जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें